नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा, हमने फ्रैंकफर्ट से ट्रेन ली और हम कलोन बॉन हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। हम अभी अभी मेट्रो ट्रेन एशबॉर्न से निकले हैं और हम अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए और अपना सामान छोड़ने के लिए टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग 6 साल पहले भी मैं कलोन बॉन हवाई अड्डे पर आया था। यह टर्मिनल को अब नया बना दिया गया है, या अधिकतर भाग अभी भी हाल में ही अपग्रेड किया गया है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा बना दिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस हवाई अड्डे पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। कलोन बॉन हवाई अड्डा जर्मनी के चौथे सबसे बड़े शहर कलोन और पश्चिमी जर्मनी के पूर्व राजधानी बॉन को सेवा प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2017 में लगभग 12.4 मिलियन यात्री यहां से गुजरे। मार्च 2015 तक कलोन बॉन हवाई अड्डे के पास 35 देशों के 115 गंतव्यों के लिए सेवाएं दी थी। आप इस हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले सभी उड़ानों का विवरण इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 7:20 पर यूरोविंग्स की फ़्लाइट EW598 से पालमा दी मायोर्का के लिए उड़ान भरेंगे। चेक इन गेट 107 और 117 के बीच में है और अंतिम प्रस्थान गेट B30 है। अंततः हम अपना सामान छोड़ने जा रहे हैं यहाँ काउंटर पर। My family is just waiting right now. Hello. सो फ्रेंड्स, अभी वेटिंग एरिया में वी आर वेटिंग कि हम आगे और जाएं और जाकर सिक्योरिटी चेक्स को पार करें। हमने अपना जो बोर्डिंग पास है वो कलेक्ट कर लिया है। सो फाइनली वी आर थ्रू विथ आवर मेन बोर्डिंग थिंग्स, जहाँ कि हमने अपना लगेज ड्रॉप किया और अब पूरे परिवार का बोर्डिंग पास ले लिया। और अभी थोड़ा प्लान ये है कि थोड़ा वेट करें वेटिंग एरिया में, उसके बाद यहाँ से हम बोर्डिंग गेट की ओर जाएं। थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो वी गोना फ्लाई विद द फ्लाइट यूरोविंग्स। यूरोविंग्स जो है वो लुफ्तांजा की एक लो बजट फ्लाइट है, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग विद इन द यूरोप। सो द प्लान इज़ कि हम इस तरह की लो बजट फ्लाइट्स पे को यूज़ करें, ताकि वी डोंट वांट टू हैव लाइक बिगर बजट्स। सो जो इंडियंस इंडिया से यहाँ की और आ रहे हैं, मेरा प्लान ये है कि अगर आप यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 3 या 4 अच्छी चॉइसेस हैं, जिसमें यूरोविंग्स भी है और रायन एयरवेज भी है। दे आर द लो बजट एयरलाइंस। अगर आप यूरोप के अंदर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं, अगर वहाँ पे ट्रेन का कनेक्टिविटी नहीं है और काफ़ी लंबा है, जैसे हम जर्मनी से मायोर्का ट्रैवल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड बिटवीन द टू कंट्रीज लाइक ऑलमोस्ट वी हैव टू ट्रैवल लाइक 2000 किलोमीटर्स। सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी फॉर अस इज टू जस्ट टेक द एयरलाइंस। पहले की रेगुलर फ्लाइट्स में देख रहा था लुफ्तांजा वगैरह, इट वॉज कॉस्टलियर, रियली कॉस्टली है। सो जो मायोर्का का प्लान है हमारा, जहाँ पे वी वांट टू स्पेंड लाइक 7 days एंड द फ्लाइट कॉस्ट गोना बी 2000 यूरोस फॉर 4 पीपल।
Right. Rather, we just invested like around about 600 or 700 euros for going and coming back. So हमारा 700 euros में हो गया. और जैसा कि आपने देखा कि we traveled from Frankfurt to here. We paid 120 euros for IC trains and we are finally here. So अभी थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट लेंगे और रेस्ट लेने के बाद we'll go through with the security checks and after that we'll go to the main gate. कुछ कहना चाहती हो? चॉकलेट खरीद चॉकलेट खरीदने My kids are asking for the chocolates, so let me just buy some chocolates for them. बने रहिए वीडियो में. So friends, आप देख सकते हैं लॉबी एरिया है और ये जर्मनी का जो बिग ब्रांड है WH Smith. यहाँ पे नॉट ओनली बुक्स यू कैन बाय बट इन द फ्रंट वी हैव ऑल टेम्पररी आइटम्स, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड पीपल कॉल इट हियर टोबाक. So you'll have all cigarettes and other items you can buy. But my kids are asking for chocolates, I'm gonna buy some chocolate for them. And after that, I'll go to another shop and still my wife is waiting at the waiting area. After that, we'll go through the check-ins. Security process. कौन से? मेरे को ये चाहिए वनीला और मम्मी को ये. सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ मार्को पोलो ब्रांड का शोरूम इस लॉबी के अंदर. एंड जैसा मैं आगे की ओर आया तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ का बड़ा एक सुपरमार्केट ब्रांड है रेवे, उसका भी यहाँ पे आउटलेट है जहाँ पे कैन बाय फूड आइटम्स. सो ये लॉबी काफ़ी बड़ा है अब, चूँकि वापस अपने स्थान पे जाने का समय हो गया है, नहीं तो इट गोना बी लेट, सो आई एम गोइंग बैक. हमारा फ्लाइट लगभग आधे घंटे डिलेड है. सो सिक्योरिटी पार करने के बाद आप देख सकते हैं मैं ड्यूटी फ्री एरिया में हूँ क्लोन एयरपोर्ट के. यहाँ से वापस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं अपने गेट की ओर जा रहा हूँ. सो अभी मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट हम सभी को आधा घंटा नहीं लगभग वन आवर वी हैव टू वेट मोर टू बोर्ड द फ्लाइट. सो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ऑल दो द फ्लाइट्स आर वेटिंग फॉर अस आउटसाइड. पास थ्रू विद द गेट एंड विल बोर्ड द फ्लाइट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ फ्लाइट में कैसा कंफर्ट है. यूरो विंग्स एक लो बजट फ्लाइट है, होपफुली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, देखते हैं. सो हमारा गेट है B30, कोई प्लान है B30 की ओर जाके कुछ रेस्ट लेने का, उसके बाद हमें लगता है कि फ्लाइट फर्दर डिले ना हो, इसलिए फर्दर वी हैव टू वेट, देखते हैं. All gonna be the experience. But by the time the flight will take off, we'll be reaching to Mallorca, Spain, late evening, around about 10 o'clock. So आज का दिन तो खत्म हो गया. मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ कैसा नज़ारा होगा. सो अभी हमें पता चला है कि हमारा गेट चेंज हो गया है, इट्स गोना बी B40 नाउ. और
since you can just see the people are waiting in the lobby. So friends, still we are waiting. हम अभी वेट कर रहे हैं ताकि बोर्डिंग शुरू हो, और अभी भी बोर्डिंग में लगभग 45 मिनट्स और हैं। मुझे लगता है बोर्डिंग गेट नेक्स्ट 30 मिनट्स में ओपन होगा। आप देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट के मेन गेट पे बैठा हूँ। जैसे ही बोर्डिंग शुरू होगा तो हम यूरोविंग्स की फ़्लाइट लेकर, जो लुफ्तांजा की एक सब्सिडरी कंपनी है, उनकी फ़्लाइट है, लेकर मयोरका पहुंचने वाले हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, एंड there are many people that are going to Mallorca, you know, from Germany. So I think for Germans it's a main destination for holidays, and I hope ki next 3-4 days, 5 days mein we'll be having sunny days. That's what we want, because last many months, lagbhag 3-4 months se, it was really a cold time, you know. The winters were very harsh, so we just want to have a sunny days, you know. Dekh sakte hain log wait kar rahe hain counter pe. To dosto, aakhirkar lagbhag 1 ghante ke intezar ke baad flight mein chadhne ki ghoshna ho gayi hai. Agle kuch minuton mein boarding shuru ho jayegi. अब हम भी फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बने रहे वीडियो में, मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे मैं मयोरका पहुँचूँगा, और मयोरका पहुँचने के दौरान क्या क्या आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता जाता हूँ। मैंने गेट पर बोर्डिंग पर स्कैन कर लिया है, और विमान में प्रवेश करने के लिए जेट ब्रिज या जेट वे से जा रहा हूँ। अभी भी कई लोग कतार में इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं ये बताना भूल गया कि जब हम गेट पे इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने यात्रियों को दो समूहों में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जैसे कि मैंने मेन लगेज के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था तो उन्होंने मुझे ग्रुप ए में रखा, और विमान में प्रवेश करने के लिए मुझे प्राथमिकता दी है, और मेरे परिवार को भी। ग्रुप बी के साथ के यात्रियों को अभी भी इंतज़ार करना होगा। मैंने मेन लगेज के लिए 2 स्मार्ट किराया टिकट, और बच्चों के लिए बिना मेन लगेज के साथ 2 बेसिक किराया टिकट बुक किया है। और मैंने 2 स्मार्ट टिकटों के लिए 347 यूरोज और बेसिक किराया टिकट के लिए 167 यूरोज पे किया है। ऑल टुगेदर मैंने टैक्स के साथ 688 यूरोज का पेमेंट किया है मयोरका जाने और आने के लिए। फ्रेंड्स, इस हवाई जहाज़ में 3 सीटों वाली रूम की व्यवस्था है। मैं अकेला बैठा हूँ जबकि मेरा परिवार एक साथ एक रूम में बैठा हुआ है। यह फ़्लाइट कुछ ही मिनटों में उड़ने वाला है, इसलिए मैं अपने फ़ोन को बंद कर दूंगा या फ़्लाइट मोड में रख दूंगा। मैं ऐसा अगले 2 घंटों के लिए करूंगा, जब तक कि मैं मयोरका में लैंड नहीं कर जाता। कृपया आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जब तक कि मैं मयोरका के अपने होटल में पहुंच नहीं जाता।
सो फ्रेंड फाइनली वी आर अराइव्ड नाउ आई इन मायोर्का स्पेन और इट वाज 2 आवर जर्नी फाइनली वी लैंडेड वी केम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पिक अप द लगेज आज का नाइट विल बी चेकिंग इन द होटल एंड देन आफ्टर विल बी sleeping tonight and tomorrow we'll start exploring the city especially this island so ye journey acha hoga mujhe aisa lagta hai bane rahiye video mein कि मायोर्का का जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है वी आर स्टिल वॉकिंग होपफुली विल गेट आवर लगेज ऑन टाइम क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है इट्स नाउ 10:30 PM इन द नाइट सो हमें जल्द से जल्द होटल भी पहुँचना है फ्रेंड्स आखिरकार अपना लगेज लेने के लिए हम कॉन्वेयर बेल्ट के पास पहुंच गए हैं ऐसा लगता है कि मायोर्का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है जिस क्षण हम एयरक्राफ्ट से निकले थे और कॉन्वेयर बेल्ट तक पहुंचने में लगभग हमें टोटल 25 मिनट का समय लग गया हमें कुछ और मिनट वेट करना होगा ताकि हम अपना लगेज उठा सकें और अपने होटल तक जा सकें सो फ्रेंड्स फाइनली वी गॉट आवर लगेज एंड नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड पाल्मा दी मायोर्का एयरपोर्ट स्पेन के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है जो हर साल लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है यहाँ संचालित होने वाले कई एयरलाइंस के साथ आप पूरे यूरोप और उसके बाहर कई गंतव्यों के लिए उड़ान भर सकते हैं बहुत सारी सुविधाओं से संचालित होने के कारण यह स्पेन का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है केवल एक टर्मिनल होने के बावजूद भी यहाँ से बहुत सारे एयरलाइंस अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं कुछ फेमस एयरलाइंस के नाम इस प्रकार हैं जैसे नॉर्वियन एयरवेट राइन एयरवेज वेलिंग लीव इबीरिया और ब्रिटेन से भी काफ़ी एयरलाइंस यहाँ पे आती है जैसे टुई ब्रिटिश एयरवेज जेड टू ईजी जेट और यूरोविंग्स सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अब पाल्मा एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया हूं। पहली नज़र में यह खूबसूरत लग रहा है आप हवाई अड्डे के ठीक बाहर खूबसूरत पाल्म ट्री देख सकते हैं अब यह प्लान है कि टैक्सी हायर करना है हमें और हमारे होटल पर जल्द ही पहुंचना है बने रहिए हमारे वीडियो में सो फ्रेंड्स एयरपोर्ट और हमारे होटल के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है शुरू में हमने पैदल चलने के बारे में सोचा था लेकिन रात के समय पैदल चलना उचित नहीं होगा इसलिए हमने टैक्सी किराए पर लेने का फैसला किया है अब हम टैक्सी लेकर अपने होटल की ओर जाएंगे बने रहिए हमारे वीडियो में फ्रेंड्स अब हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं और हम अपने होटल के कमरे में जा रहे हैं यह एक डबल बेडरूम है जिसमें एक अटैच बाथरूम और एक बालकनी है आई होप विल बी हैव अ गुड स्लीप टुनाइट कल सुबह हम पाल्मा शहर को एक्सप्लोर करेंगे कल मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए मैं आप सभी को
अभी बाय बोलता हूँ, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।